कहने के लिए, और ये मोदी सरकार, योगी सरकार, अमित शाह की सरकार। नहीं, आपको कोई भड़का के लाया है? अपने आप आए हैं? क्यों आए हैं आप यहाँ? खुद आए हैं, अपनी सुविधा के लिए आए हैं। जो हमारी मांग है वो पूरी हो जाए, इंसानियत के साथ में पूरी हो जाए। अच्छा, चलिए, क्या क्या मांग है आपकी, आप क्यों आए हैं? मांग यह है, जो हमारा गन्ने का पेमेंट है, जो इन्होंने कहा था 14 दिन में मिलेगा, वो जनवरी से आज तक नहीं मिला। अब भी 50 नहीं, जनवरी से अब तक भुगतान नहीं मिला। पिछले साल का भुगतान मिल गया क्या? पिछले साल की जनवरी का भुगतान नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। अच्छा, इनका झूठ पर झूठ। नहीं, सरकार तो ये कह रही 14 दिन में भुगतान हमने करा दिया किसान का। ये सरकार को देखना चाहिए। आपकी शुगर मिल कौन सी है? हमारी शुगर मिल पड़ती है, तब मैं बताए, बेलवाड़ा, रामपुर, जिला रामपुर, मुरादाबाद में पड़ती है शुगर राणा की। आपके खर्च कैसे चल रहे हैं जो पिछले साल का भुगतान नहीं मिला? बस चला रहा है अपने, जैसे भी काम सबर कर रहा है। बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, जो केसीसी ले लिया वो आज तक नहीं निपट रहा है। और सरकार ने जो पहले 3 साल में केसीसी वो होता था, आज देखिए किसानों के भुगतान जो नहीं मिल पा रहे हैं, और गन्ने के भुगतान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान यहाँ मौजूद है, बांदा के किसान यहाँ मौजूद है, पूर्वांचल के भी। तो जो किसानों की समस्याएं हैं, वो किसान लगातार कर्ज में दबता चला जा रहा है, और किसानों से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या, किस तरह से किसान कर्ज में दबता चला जा रहा है। पूछो, बताओ, आप क्या नाम है आपका? चरण सिंह। कहाँ से हो? मुजफ्फरनगर। अच्छा, क्यों आए हो यहाँ? क्यों आए? सरकार को देखना है, मतलब पानी रही सरकार है कहाँ। अच्छा, सरकार को देख के क्या करोगे, क्या पूछना है सरकार से? सरकार से पूछना है, सरकार तो बिल्कुल अंधी हो रही। जो राष्ट्रीय धरोहर थी वो भी बेच खाई, रेलवे, ये लाल किला, ये तो राष्ट्रीय धरोहर थी, ऐसी ऐसी को बेच ले कहां ले जगह। नहीं, उससे आपका क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान हमारा है, संपत्ति तो हमारी है, इनकी सरकार की माँ की है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, धन्यवाद। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंद्र प्रकाश और पप्पू अंगवार, बरेली से हूँ, और कई दिन से आए हुए हैं। और इसमें सरकार का झूठ में झूठ है, नहरों में पानी नहीं, बिजली, ट्यूबवेलों को बिजली समय से नहीं देते, गन्ने का भुगतान नहीं करते। सरकार तो ये कह रही कि 2022 तक हम आमदनी दुगनी कर देंगे, 2020 चल रहा है, क्या आमदनी में कुछ वृद्धि हुई जब से सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी? 2022 तक दुगनी की बात कर रहे हैं, इसमें से 2 घटा दिए जाए, केवल 2 रह जाएगी। अच्छा, जो 1.5 गुना लागत मूल्य देने का, लागत का 1.5 गुना देने का जो वायदा सरकार ने किया था कि आप फसलों के दाम लागत के 1.5 गुना मिल रहे हैं आपको? नहीं, कुछ भी नहीं मिला, ये तो झूठे सरकार है और हरदम में सरकार है, बिल्कुल अभी कुछ भी नहीं मिला है। लागत का 1.5 गुना नहीं मिल रहा? अच्छा, ये पढ़े लिखे किसान है, आप कौन से जिले से हैं? मैं जिला अमरोह से हूँ, धनोरा मंडी से। मैंने अभी आपका क्या नाम है? मेरा अली वारिस खान नाम है। अच्छा, आलू के किसान है आप? मेरे घर पर आलू लगे हुए हैं, पापा को पैसे भेजे, आलू लगवाए थे इस बार, 1700 रुपए बोरी आई थी, 1700 रुपए बोरी आलू की आई थी एक कट्टा, और अभी खुदवाया है मैंने तो 600 रुपए कट्टा, 700 रुपए कट्टा मेरा गया है। नहीं, आपने कहा कि पापा को भेज के पैसे मैंने आलू लगवाए थे, आप किसान के बेटे हैं, आप यहाँ क्या करते हैं? क्या मैं मेडिकल लाइन में हूँ, मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मैं खुद जाके खेती कराता हूँ अपने पापा के साथ। देखिए, किसानों को जो ये कहा जा रहा है कि भड़का के करवाया गया है या कुछ कहा गया है, ये पढ़े लिखे किसान हैं, मेडिकल लाइन में काम करते हैं, किसान के बेटे हैं, और किसान के दर्द को बहुत अच्छे से ये जानते हैं। तो किसान, गन्ने की स्थिति, आलू की स्थिति क्या है? आलू की स्थिति मैं बता रहा हूँ, 1700-1750 रुपए कट्टा आलू का आया था लगाने के टाइम पे, मैं खुद अपने पापा को दिला के लाया था, और अभी जो आलू मेरे खुद रहे हैं वो 700 रुपए कट्टा, 650 रुपए कट्टा जा रहा है। जी, हिंदुस्तान पर लगातार किसान रिपोर्टिंग कर रहे हैं, किसानों के मन की बात जानने का प्रयास कर रहे हैं, बुजुर्ग किसान है कुछ पीछे, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आप यहाँ क्यों आए हैं, आपका क्या नाम है? मीर सिंह। कहाँ से आए? बुलंदशहर से। आप क्यों आए हैं यहाँ? ये जो किसान मोदी जी ने जो बिल बढ़ाए हैं और बिजली के और गन्ना के जो पेमेंट है वो ना मिले हो। नहीं, सरकार तो ये कह रही है कि हमने किसान बहुत खुशहाल है, किसान के लिए बहुत काम किया है, किसान का समय से भुगतान मिल रहा है, किसान का बिजली मिल रही है, और जो 3 कृषि अध्यादेश लाए हैं उनसे भी किसान को बड़ा लाभ होने वाला। सरकार तो सड़क पे घूम रहे हो अब? अच्छा, क्यों? क्यों, मक्का जो है 600 में गई है, अब 1800 बिक रही है। अच्छा, मक्का भी लूटी है? हाँ। और किसानों से जानते हैं, और क्या, आप कहाँ से आए हो? जिला मुरादाबाद से। क्यों आए हो? गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा, धान का पैसा नहीं मिल रहा, सरकार ने बहुत मध्य रेट निकाले हैं, इसलिए परेशानी में आए। नहीं, हाँ देखो, बताओ, मोदी जी कह रहे हैं हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, हम कहते हैं किसान को डिजिटल से जोड़ दो, हमारे गन्ने का भुगतान है, हम ऐसे गन्ना डालें और हमारे खाते में तुरंत पैसा आ जाए, किसान को डिजिटल से जोड़ दो, उनका बिजली का बिल है वो पर्ची से वहीं का वहीं कट जाए सोसाइटी से।
लेकिन ये सब हवा हवाई वादे हैं, कॉर्पोरेट को लाना है, किसान को भगाना है। देखो ये युवा किसान हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया। तो जिस तरह से डिजिटल के तहत सारे पेमेंट सरकार के होते हैं, सारे देश सरकार लेने का काम करती है, चाहे बिजली के भुगतान हो चाहे वो दूसरे भुगतान हो, उसी तरह से किसान की फसलों के भुगतान भी डिजिटल इंडिया के तहत होने चाहिए, ये किसानों का कहना है। आपका क्या कर मुक्त जो व्यापार समझौता ये लाए हैं क्विक डील के नाम से, तो वो भी किसान के हित में नहीं है। जब किसान के जो अपने रेट है फसलों के उससे पूर्ति नहीं होती, जो उसमें लागत आती है उसकी वापसी नहीं होती, तो कर मुक्त व्यापार लाने के बाद तो वो किसानों के फसलों के रेट आधे हो जाएंगे, तो तब कैसा होगा? तब तो बिल्कुल किसान सड़क पर आ जाएगा और भीख मंगा हो जाएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और किसान यहाँ है वो, आपका क्या नाम है? नाजर। कहाँ से आए? करवाड़ा। करवाड़ा कौन से जनपद? मुजफ्फरनगर। अच्छा, मुजफ्फरनगर से क्यों आए हो? नहीं आए संघर्ष के लिए। नहीं, संघर्ष किस चीज का? संघर्ष यही मतलब ये काश्तकारों को दही तोड़ रहा है और क्या कर रहा है, कुछ करी ना मोदी। अच्छा, चलिए। और आपका क्या नाम है? महेंद्र सिंह यादव, जिला मुरादाबाद, गांव नाजरपुर से आए हैं। हमें बड़ी समस्या है बिजली की, और धान गेहूं और गन्ना ये सही रेटों से नहीं खरीदा जा रहा है, ये बीच के बिचौलिए ले रहे हैं 1100 में, और इन पे कार्रवाई होनी चाहिए और हमारा जो है अनाज रेटों में सही रेटों में बिकना चाहिए। चलिए, और किसान यहाँ मौजूद हैं, और युवा किसान यहाँ मौजूद हैं, उनसे किसानों से मिलवाते हैं आपको, वो बताएंगे कि क्या यहाँ किसानों को समस्या है, किस लिए यहाँ है। आपका क्या नाम है? दिनेश कुमार। कहाँ से आए हो? बिजनौर से। क्यों आए हो? आए अपने, सरकार ने इतना किसान पर अत्याचार कर रखा, किसान खेत में काम करता अपने लेकिन खेत में काम नहीं करने दे रही सरकार। सरकार की करनी और कर्तनी में बहुत बड़ा अंतर है। नहीं, किसी ने आपको भड़काया है, जैसे कि कह रहे हैं कि भड़काए से यहाँ आए हैं, किसी ने भड़काया आपको? ये जो लोग कहते हैं कि किसान को भड़काया जा रहा है, मेरा तो ये मानना है कि ये लोग मूर्ख हैं। कि पढ़ा लिखा किसान है, उसे पता है मेरे लिए अच्छा क्या है गलत क्या है, तो ये सारी चीजें तो गलत है। इन तीन कृषि जो अध्यादेश आए हैं, इनसे क्या नुकसान किसान को है, क्या मन में शंका है किसान के? आपका क्या नाम है? मेरा नाम दुष्यंत कुमार है, मैं जिला बिजनौर से हूँ। ये तीन काले कानून सरकार लेकर आई है, इससे किसान को बहुत बड़ा नुकसान है। नहीं, क्या नुकसान है, क्या डर है आपको कि क्या आपकी जमीन छिन जाएगी? आपके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जैसे एक इसमें काला कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इससे जो है जो क्या बोलते हैं, चलो किसान बर्बाद, किसान बेकार हो जाएगा। किसान तो एक मजदूर के तरह से काम करेगा, फिर तो उनका पावन हो जाएगा। जो ये तुम्हारे सब सब लोग हैं ये अंबानी जैसे हैं, फिर तो जैसे वो कराएंगे अपना अपना ही बीज लावेंगे, अपनी है फसल अपनी मर्जी से बोएंगे, हम तो एक मजदूरी के हिसाब से रह जाएंगे, हम किसान क्या रहेंगे फिर? आपका क्या नाम? मेरा नाम शिव कुमार। कहाँ से आए? जिला मुजफ्फरनगर से। अच्छा, क्यों आए हैं? भाई यही है, तीन अध्यादेश हमारे जो ये कानून बनाए हैं, ये वापसी लिए जा। नहीं, केवल तीन अध्यादेश या और भी कुछ समस्या है किसानों की? तो बहुत है। क्या है, क्या समस्या बताओ? है गन्ने की है, धान की है, गेहूं की है, मक्का की है। गन्ने की क्या समस्या है? गन्ने की तो यह है, परमिट नहीं मिलता टाइम पे, ना हमारी लड़कियों की शादी होती। अच्छा। ना मतलब बच्चे हमारे पढ़ रहे फीस में, हमारा लॉकडाउन में हमारे किसान ने खेत में काम किया, इसने बिल पास कर दिया, किसी किसान की सलाह ली। अच्छा, सवा महीना हो गया। गन्ने का पेमेंट जो है, गन्ने के पेमेंट की क्या आपके जनपद की स्थिति है? बेकार है बिल्कुल। नहीं, क्या स्थिति है, कब तक का पेमेंट मिला है? पेमेंट तो हमारा रुक रहा है, काफी रुक रहा है। नहीं, कितने दिन का भुगतान रुका हुआ है? 35 दिन का भुगतान रुका है पिछले साल का। अच्छा, पिछले साल का, इस साल का भुगतान अभी मिला ही नहीं है। साल की तो बात ही छोड़ दो, पिछले साल का ही नहीं मिला अभी तक। इस साल का जब रेट ही डिक्लेयर नहीं हुआ तो पैसे कहाँ से मिल जाएगा? अरे रेट डिक्लेयर करे सरकार कम से कम। नहीं, सरकार ने तो ये वायदा किया था कि हम लागत का डेढ़ गुना देंगे, तो क्या गन्ने का लागत का डेढ़ गुना, गेहूं का लागत का डेढ़ गुना आपको मिल रहा है? डेढ़ गुना तो 450 रुपए का कम से कम रेट गन्ने का घोषित करे, किसान का 450 रुपए गन्ने का रेट घोषित करे, और रेट घोषित करे जब तो पैसे आएंगे, पिछले पैसे नहीं आए। दिगंबर जी, चिल्ला बॉर्डर पे आपके साथी सतीश खड़े हैं, उनको बोलिए ओवर टू यू सतीश। चिल्ला बॉर्डर पे सतीश कुमार जी, ओवर टू यू सतीश कुमार जी। बिल्कुल। देखिए देखिए सतीश जी, वहाँ से आपके जो भाई है दिगंबर जी, उन्होंने टॉस किया, आपको टॉस किया है ओवर टू सतीश जी, इसलिए अब मेरा यहाँ पर कोई रोल नहीं है। सतीश जी, अब आप बताइए चिल्ला बॉर्डर में क्या हो रहा है। धन्यवाद धन्यवाद प्रत्युष जी, धन्यवाद भाई दिगंबर जी, आपका
कि सतीश चौधरी चिल्ला बॉर्डर से किसान रिपोर्टर जी हिंदुस्तान पर। किसानों से जोड़ता हूं आपको, मेरे साथ किसान हैं ठाकुर जगपाल सिंह, निवासी सीकरा, तहसील खुर्जा, जिला बुलंदशहर। अभी सरकार से जो गुहार लगाने किसान दिल्ली आया था, उधर गाजीपुर बॉर्डर, उधर सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, दिल्ली के हर प्रवेश द्वार पर किसान बैठा है। इसी आस में किसान बैठा है कि कब ये सरकार किसान की बात सुन ले, कब किसान की बात मान ले। आपको क्या लगता है कि किसान की बात सरकार क्यों नहीं सुन पा रही है? सजा क्या मिलेगी मेरी हसरतों की, किसान की हसरत, सजा क्या मिलेगी मेरी हसरतों की, बेरुखी की सजा कोई कम तो नहीं है। जिस सरकार को बनाया था बदनाम होकर, उसका रूठ जाना कोई कम तो नहीं है। मान्यवर, बहुत सुंदर बात हमारे बीच रखी है तहसील खुर्जा के किसान जगपाल सिंह जी, जगपाल सिंह सोलंकी। बहुत सुंदर बात उन्होंने रखी है, सरकार जो सितम कर रही है, जो किसान की अनदेखी कर रही है, जो आम जनता को परेशानियां पैदा कर रही है। मैं जोड़ता हूं फिर दोबारा से जी भाई साहब, सरकार 3 कानून लाई है जी। तो वहां में देखो, हम ज्यादा कानून के बारे में तो जाने ना, खेती बाड़ी के बारे में हम ज्यादा जाने, कोई पूछ लो कि ये कह रहे हैं कि किसान अपने मालक कहीं बेच सके। भाई वाह, बहुत बढ़िया। अब मेरी भैंस 1.5 किलो दूध दे रही है, 0.5 किलो तो घर रह जा बालकन को, अब वह 1 किलो दूध सीख रहते मैं दिल्ली लाऊं बेचने, तुम बता दो। अब मैं वह 1 किलो दूध लटका कर रोज आना दिल्ली लाऊं, क्योंकि दिल्ली में तो 60-70 रुपया बिक रहा है। क्या ये जायज है? जिस किसान के पास भैंसा बुग्गी ना है, वो अपनी जो है 1.5 क्विंटल या 2.5 क्विंटल मक्का कहाँ बेचने जाएगा? अगर ये सलाह ले लेते किसानों से, तो ऐसा नहीं है, किसान के पास सलाह है जी। किसान से सलाह नहीं ली गई, किसान ने ऐसे कानून की मांग नहीं की थी, और सरकार जबरदस्ती ऐसे कानून किसान के नाम पर थोप देना चाहती है। आइए जानते हैं, ये जो सरकार कानून लेके आई है, बता रही है कि सरकार किसानों के हक में, किसानों के हित के लिए कानून लाई है। किसानों को इस कानून से कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, इसकी धरातलीय हकीकत क्या है? जो ये कानून लेके आए, काले कानून इन्होंने तीनों बनाए हैं, उनकी हकीकत इतनी बुरी है, अगर आप देखेंगे, आप जगह जगह जाके देखिए, क्योंकि मैंने खुद जाके मंडियों में जाके ये चीज़ चेक किया है। इन्होंने अब सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग व्यापारी वर्ग हैं, जो पूंजीपति हैं, आप उनको देते हो MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और जो हम लोग किसान हैं, अन्नदाता हैं, जो हम इस चीज़ को पैदा कर रहे हैं, हम लोग धरती का सीना चोर के, हम लोग चीर के, हम लोग अन्न पैदा करते हैं, और हमें आप देते हो MSP, लेकिन हम MSP पर भी संतुष्ट थे। आपने रेट दिया 1868 रुपये का धान का, आप 2014 का धान का रेट देखिए, 3500 से 4000 तक धान बिका, लेकिन उसके बाद भी किसान भाइयों ने कुछ नहीं बोला, चलो 1868 आप दे रहे हो, तो कम से कम 1868 फिक्स तो कर दो। आपको ये चीज़ क्यों नहीं दिखाई दे रही कि वही आपकी जो सरकारी मंडियाँ जो आपने बनाई हैं, वो जब दलाली कर रही हैं, अब तो आप ये प्राइवेट व्यापारी लाके हमारी छाती पे खड़े कर दोगे, तो ये हमारे साथ कहाँ से इंसाफ कर देंगी? आप प्राइवेट मंडियों में मैंने खुद जाके देखा, इनकी क्रय केंद्रों पे मैंने जाके देखा है कि धान किसानों को इतना मजबूर कर दिया जाता है कि जो धान 1868 रुपये में बिकना चाहिए, वही धान 800 रुपये क्विंटल और 900 रुपये क्विंटल 1000 रुपये क्विंटल बेचना पड़ रहा है। उसमें गलती टोटल सरकार की है, क्योंकि हर जगह सरकारी तंत्र भ्रष्ट हो चुका है। आपने 1800 रुपये का रेट दिया, अगर आप उस रेट को फिक्स कर देते तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब हमारे पिछले हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं माननीय भानु प्रताप जी, पिछले 8 सालों से मांग कर रहे हैं आप किसान आयोग का गठन करिए। आपने जी एक बहुत बड़ी बात निकल के आती है, आपसे आपको दोबारा जोड़ता हूँ, एक बहुत बड़ी बात किसानों के बीच से निकल के आती है, सरकार किसानों का उत्थान उद्धार करना चाहती है तो सरकार किसान आयोग का गठन करे, ये किसानों की मांग है। किसान आयोग में जो सदस्य हों वो भी किसान हों, अनुभवी किसानों को किसान आयोग का सदस्य रखा जाए, किसान आयोग को ये अधिकार दिया जाए कि वो किसानों की फसलों के दाम तय करें, जो दाम किसान आयोग तय करे उसी को MSP माना जाए, और सरकार उस पर पूरी खरीदी की गारंटी दे। सतीश जी, अब आप अच्छे खासे रिपोर्टर और एंकर हो गए, कई तो किसान भाई मुझसे कह रहे हैं कि लगता है कि भैया आपकी नौकरी गई, अब दिगंबर जी को टॉस करना, आपकी नौकरी नहीं जाएगी। मैं के लिए खड़े रहते हैं, मैं अभी मेरे सहयोगी साथी हैं गाजीपुर बॉर्डर से, भाई दिगंबर जी, ओवर टू यू।
भाई दिगंबर जी, ओवर टू यू, गाजीपुर बॉर्डर। जी जी दिगंबर जी, आपके साथ ही सतीश जी ने ओवर टू यू बोल दिया है। अब आप संभालिए कमान और पूछिए किसानों से उनके मन की बात। किसानों से पूछते हैं, लगातार दिखा रहा है रिपोर्टिंग। जी आपका क्या नाम है? महेंद्र सिंह रंधावा, भारतीय किसान यूनियन मंडल अध्यक्ष। आप यहाँ क्यों आए हैं? अरे भैया मजबूरी में आए हैं, जब कोई सुनने को तैयार नहीं। हमने सरकार बनाई है, हमने वोट दिए, ये समझ रहे हैं हम अपने आप बन गए। नहीं, इन जो तीन कृषि अध्यादेश आए हैं इन्हें लेकर और दूसरी और क्या क्या समस्याएं हैं? समस्याएं तो सारी हैं। आज तक भाई बिजली के बिल बढ़ गए, सोना बढ़ गया, खाद बढ़ गया, तेल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया। एक कपड़ा लेने चले जाओ तो कम से कम जिंसों के भाव एक रुपया भी नहीं बढ़ा। चलिए ठीक है, सफर पर हैं और ढूंढ रहे हैं खबर, खबरों में ढूंढ रहे हैं अपना शहर। टॉप न्यूज, ब्रेकिंग और हर अपडेट तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़, हिंदी के साथ पांच भाषाओं का पंच, सबसे नया, सबसे अनूठा न्यूज ऐप, बस एक क्लिक दूर। जी हिंदुस्तान डाउनलोड करें और बाखबर रहें।